सुप्रभात बच्चों, कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ दो, ध्वनियाँ तथा वर्ण। पुस्तक का नाम गुलमोहर, हिंदी व्याकरण, व्याख्यान दो। बच्चों, आज हम व्याख्यान दो में ध्वनियाँ तथा वर्ण पढ़ेंगे। अनुस्वार, यह एक ऐसा नासिक्य व्यंजन है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। इसको लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु चिन्ह बनाया गया है। वर्णमाला में इसे अंग के रूप में दिखाया जाता है। हिंदी में इसका उच्चारण शब्द के दो स्थानों पर किया जाता है, क शब्द के अंत में। शब्द के अंत में आने पर इसका उच्चारण मैं के रूप में किया जाता है, जैसे स्वयं। ख क वर्ग के समस्त व्यंजनों के पहले इसका उच्चारण अंग के रूप में, च वर्ग के व्यंजनों के पहले य के रूप में, ट वर्ग के व्यंजनों के पहले अण के रूप में, त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में, तथा प वर्ग के व्यंजनों के पहले म के रूप में किया जाता है। देखिए, इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, क वर्ग अंगूर। यहाँ पर ये जो न की बिंदी लगी है ये अंग है, ठीक है, अंगूर। इसी तरह से गंगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये अंग है और फिर ये न की बिंदी बन गई, गंगा। इसी तरह से च वर्ग में चंचल, ये की बिंदी चंचल। पंछी, ट वर्ग में कुंडी, डंडा। त वर्ग में पंथ, गंदा। प वर्ग में चंपत, अंबा। इस तरह से आपने इनके उदाहरण देखे। विसर्ग, हिंदी की वर्णमाला में विसर्ग को भी अस्वर के साथ अह के रूप में लिखकर दिखाया जाता है। संस्कृत में ह ध्वनि का उच्चारण दो अलग अलग तरह से होता है। एक तरह के उच्चारण के लिए ह चिन्ह बनाया गया था तथा दूसरे के लिए विसर्ग। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो चुका है, इसे भी अब ह के रूप में ही बोला जाता है, पर विसर्ग वाले संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आए गए हैं उन्हें संस्कृत की ही तरह विसर्ग से ही लिखा जाता है,
जैसे स्वतः, अतः, प्रातः, प्रायः आदि। संयुक्त व्यंजन, जब किसी शब्दों में एक से अधिक व्यंजन एक साथ मिलाकर संयुक्त रूप में बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अच्छा, न्याय, मक्खन, ध्यान आदि। एक बार पुनः जानते हैं, संयुक्त व्यंजन जब किसी शब्दों में एक से अधिक व्यंजन एक साथ मिलाकर संयुक्त रूप में बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अच्छा, न्याय, मक्खन, ध्यान आदि। द्वितव व्यंजन, जब किसी शब्द में एक से अधिक समान व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप में बोले जाते हैं तो वे द्वितव व्यंजन कहलाते हैं, जैसे मक्का, बच्चा, पत्ता आदि। र व्यंजन के संयुक्त रूप, र व्यंजन को लिखकर व्यक्त करने के लिए हिंदी की वर्णमाला में तीन चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, र, रेफ तथा पदेन, जो तीन अलग अलग स्थितियों के लिए हैं। ये तीन स्थितियां इस प्रकार हैं। बच्चों, रेफ इस प्रकार से लिखते हैं और पदेन इस तरह से लिखा जाता है। नंबर एक, र जमा स्वर। यदि र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र वर्ण से ही लिखा जाता है, जैसे रोगी, र जमा ओ, रो, ग जमा ई, गी, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा रोगी। रानी, तो रानी को वर्ण विच्छेद में कैसे लिखेंगे, र जमा आ, रा जमा न जमा ई, नी, रानी, इस तरह से हम वर्णों का विच्छेद करेंगे आदि। नंबर दो, र जमा व्यंजन। यदि र किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे रेफ से लिखा जाता है, जैसे अर्थ, वर्ण विच्छेद है अ जमा र जमा थ जमा अ, अर्थ। इसी प्रकार गर्म, ग जमा अ जमा र जमा म जमा अ, गर्म। शर्म, स जमा अ जमा र जमा म जमा अ, शर्म आदि। तो बच्चों, जो रेफ है उसको हम इस तरह से
लिखते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है अर्थ, तो इसमें रेफ इस तरह से लगा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेफ है। नंबर 3, व्यंजन जमा र, यदि कोई अन्य व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को पदेन से लिखा जाता है और उसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों के पैरों में हुक की तरह से लगा दिया जाता है तथा गोलाकार व्यंजनों में हल चिन्ह की के साथ जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों, खड़ी पाई वाले शब्द इस प्रकार के जिनमें खड़ी पाई होती है, जैसे क खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा र, तो बच्चों म जमा र म्र शब्द है नम्र, भ जमा र भ्र भ्र से शब्द है ब्रह्म, तो ये खड़ी पाई वाले शब्द हैं। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो, ये खड़ी पाई है इस तरह से। ख गोलाकार व्यंजन वर्ण जमा र, ट जमा र, तो बच्चों ट ये गोल आकार का है इसलिए ये गोलाकार व्यंजन है। ट्र ट्र से शब्द बना ट्रेन, ड ये भी नीचे से गोलाकार है इसलिए इसको गोलाकार व्यंजन वर्ण कहते हैं। जमा र ड्र, ड्र से शब्द बना ड्रम। वर्ण विच्छेद, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, क जमा अ क जमा म जमा अ म जमा ल जमा ए। तो बच्चों, जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो पहले शब्द के टुकड़े कीजिए, जैसे क म ल, कितने टुकड़े बनाए हमने, 3, क म ल। क को किस प्रकार लिखेंगे, क जमा अ, क जमा अ, क के नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि व्यंजन है। मैं कैसे लिखेंगे, जमा मैं जमा अ मैं, और ल कैसे लिखेंगे, जमा ल जमा अ। इस प्रकार क म ल। अगला है अनार, अ क्योंकि ये स्वर है तो इसमें हम कोई अन्य स्वर नहीं जोड़ेंगे। ना न जमा आ, र र जमा अ, अनार। बच्चों, पाठ 2, ध्वनियाँ तथा वर्ण, व्याख्यान 2, आज आपका गृह कार्य है दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। बच्चों, जो शब्द आपको दिए गए हैं उनके वर्णों का आपको विच्छेद करना है, उनके टुकड़े बनाकर आपको लिखने हैं।
जैसा हमने आज पाठ में जाना। सबसे पहला है सेब, केला, रानी कमल, अनार, रोगी, शर्म, अर्थ, गर्म। पाठ दो, ध्वनियाँ तथा वर्ण, व्याख्यान दो, माफ करना, व्याख्यान एक, गृह कार्य का हल इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर है, उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। उच्चरित ध्वनियाँ होती हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, जिनको हम मुख से बोलते हैं। ख, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? उत्तर है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में ओठ अथवा जीभ द्वारा मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट उत्पन्न की जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन में ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, जैसे आ आ, तो इस प्रकार हम बोलते हैं तो कोई रुकावट नहीं आती, वो बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलते हैं। लेकिन व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो रुकावट उत्पन्न होती है, जैसे क ख ग, तो हमारी जीभ और मुख में रुकावट उत्पन्न होती है, वायु के रास्ते में रुकावट उत्पन्न की जाती है, वो व्यंजन होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ग, किन स्वरों को मात्रा चिन्ह कहा जाता है? उत्तर है, व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहा जाता है। धन्यवाद।